हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेवी रॉक्स टीम्स। अभी होने वाला है बहुत ज़बरदस्त मैच। 4 घंटे 23 मिनट के बाद टॉप का मैच। चेल्सी टीम इस बार सीजन में टॉप पे है, मतलब टॉप पे नहीं बोलूँगा, मतलब टॉप 5 के अंदर आएगी आराम से। नॉर्विच सिटी की बात करूँ तो इस सीज़न प्रीमियर लीग में एक भी मैच नहीं जीती। पिछली बार ये प्रीमियर लीग में नहीं खेलते थे, इन्होंने लीग बदल के बहुत बड़ी गलती कर दी। नॉर्विच सिटी बहुत मुश्किल में इस सीज़न। तो बात करें, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, इस मैच की टीम मैं ओपन देने की कोशिश करूँगा। अगर मैंने T20 ओपन नहीं दिया तो लेट्स सी मैं क्या करता हूँ, शेड्यूल पहले ही पोस्ट कर दूंगा। और गाइज, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं इस मैच की। तो यहाँ पर चेल्सी जो टीम है एक तरफा लेके जा सकती है मैच। इस बार नॉर्विच सिटी ने पूरे सीजन में 17-18 गोल खाए हैं, 16 तो खाए हैं कन्फर्म, उसके बाद 2 गोल सिर्फ कंसीडेड किए हैं। 2 गोल कंसीडेड करने का मतलब है प्रॉपर लॉस। 2 गोल तो कोई भी कर लेगा, कोई भी एक अननोन टीम भी कर देगी। तो बात करें सबसे पहले गोलकीपर की, तो टी क्रल देखो यहाँ पर इसलिए काम आएगा क्योंकि चेल्सी के पिछला मैच जीत तो गए, चेल्सी वाले 4-0 से हरा के तो आ गए टीम को, लेकिन चेल्सी के 2 मेजर अल्ट्रा प्लेयर्स इंजर्ड हैं बहुत तगड़े। अब मैं बताता हूँ, देखो टी क्रल को आसानी का है कि अगर पेनल्टी रुकती है तो वेल एंड गुड, मैं यही बोलूँगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गोल हो किसी के बारे में, क्योंकि मर्जी है भाई, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो नॉर्विच सिटी चाहेगी कि वो जीते, चेल्सी चाहेगी वो जीते, लेकिन जीत किसको मिलेगी, सिर्फ एक को। तो टी क्रल के साथ हूँ मैं अभी इधर। तो बात करें यहाँ पर डिफेंडर की, 5 डिफेंडर लेने का कारण है इंजरी। तो इंजरी किसकी हुई मैं सब कुछ आगे बताऊँगा। तो पहले बात कर लेते हैं एसबिलुटा की। सी एसबिलुटा को छोड़ना सबसे गलत डिसीजन होगा, दैट्स वाई मैं इसको ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ। बी चिलवेल की बात करें, 2 प्लेयर इंजर्ड के कारण बी चिलवेल को ये मिडफील्डिंग में डाल के रखेंगे, और मिडफील्डर बी चिलवेल का मतलब जानते हो, जो बंदा डिफेंडिंग में नहीं अगर पीछे रहता तो वो कहाँ से मिडफील्डिंग में पीछे रहेगा। बी चिलवेल का गोल देखने मिल सकता है हमने को अगर कोई भी अनदर स्ट्राइकर या फिर कोई अनदर मिडफील्डर ना खेला तो। टी सिल्वा की बात करूँ, पिछले मैच में ज़बरदस्त खेला था इस प्लेयर ने। टी सिल्वा एंड वन अनदर प्लेयर, जो कि ऊपर से आप देख सकते हैं बहुत प्लेयर्स इनके, एलोंसो, रूडिगर, और मतलब एक से एक ज़बरदस्त प्लेयर। एंड टी चलोबा की बात करूँ, टी चलोबा एंड वन अनदर प्लेयर जिसका नाम है एंड्रियस क्रिस्टेंसन। देखो एंड्रियस क्रिस्टेंसन इज़ अ नॉर्मल प्लेयर, बट ये असिस्ट करता नजर आ सकता है, क्योंकि टी सिल्वा और एक क्रिस्टेंसन ओपोनेंट टीम की मतलब गोल होने से रोक सकते हैं एक तरह, क्योंकि इनकी ओपोनेंट टीम की स्ट्राइकिंग खास है नहीं, दैट्स व्हाई मुझे लग रहा है। और टी चलोबा की बात करूं, ट्रेवो चलोबा भी मिडफील्डिंग में रहेगा, मतलब ये दिखने में 5 डिफेंडर हैं लेकिन इनमें से 2 मिडफील्डर हैं हमारे, एक है बेन चिलवेल एंड नीचे से टी चलोबा, बाकी लाइनअप्स पर डिपेंड करता है। आगे से बात करें माउंट की, तो यहाँ पर माउंट को लेने का कारण है इंजरी। मैं सच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह देखो, पिछले मैच में रोमेलू लुकाकू इंजर्ड हो गया, टी वर्नर इंजर्ड हो गया, दोनों प्लेयर इंजर्ड थे। अब मुश्किल टी वर्नर शायद नहीं हुआ था, सॉरी, क्योंकि टी वर्नर को एक अनदर स्ट्राइकर के लिए भेज दिया, जबकि सी हडसन ओडोई सब्स्टिट्यूशन के तौर पे अंदर आ गया था। तो वर्नर शायद ठीक हो, लेकिन रोमेलू लुकाकू प्रॉपर इंजर्ड था, तो मेरे को नहीं लगता कि लुकाकू रिकवर हो गया। अगर हो गया होगा तो अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा, आपके लिए अच्छा, मैं वो नहीं बुरा नहीं कह रहा यार, किसी को चोट क्यों लगे हम क्यों सोचेंगे, लेकिन चोट लगती है, खेल है। तो यहाँ पर लुकाकू को शायद ये सब्स्टिट्यूशन पे ना रखें, शायद लाइनअप्स में भी ना हो, तो इसलिए मैं बात करूँ मैंने यहाँ पे माउंट को लिया। माउंट की जगह ZH खेला तो ZH मेरा कैप्टन भी रह सकता है, क्योंकि ZH अपनी फॉर्म दिखाएगा, मैं जानता हूँ वो वाले मैचेस जब बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं खेलते थे और ZH ने 2-2 गोल किए थे। पीलिस मेलू की बात करूँ तो पेयरलिस मेलू एंड वन अनदर प्लेयर टी कैंटवेल, ये दोनों प्लेयर्स नॉर्विच सिटी के काफ़ी बढ़िया प्लेयर हैं, लेकिन सीजन ही पूरा सीजन फ्लॉप जा रहा है, दैट्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता। एंड नगोलो कैंटे की बात कर रहा था, तो नगोलो कैंटे एंड सी हडसन ओडोई में से कोई एक आधा प्लेयर असिस्ट करता नजर आएगा, क्योंकि अगर बड़े प्लेयर नहीं खेलते तो इन दोनों में से कोई एक कर सकता है। जॉर्जिनो पेनल्टी संभालेगा, पिछले मैच में भी 2 गोल किए थे, जो प्रीमियर लीग में नहीं हुआ था, किसी और लीग का था, बट टीम यही थी जिसमें इंजरी हुई, तो जॉर्जिनो 2 गोल करके गया। अब आप सोच रहे होंगे मैंने जॉर्जिनो को क्यों नहीं लिया, जॉर्जिनो को इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अभी हम डिफेंडिंग में, मतलब डिफेंडिंग के अंदर हम रिस्क नहीं ले सकते। कल भी यही हुआ, लंका के मैच में 5 बॉलर थे और जबकि सबको लग रहा था रन बनेंगे, बट नीदरलैंड ने अनएक्सपेक्टेड खेल दिया, जबकि कई लोग तो बॉलर के बिल्कुल भरोसे थे, कई लोग कहीं बिल्कुल भी नहीं थे। तो वो चीज़ से हमें समझना है कि हम स्ट्राइकिंग के भरोसे जाएंगे डिफेंडिंग की, ठीक है। तो आगे से बात करें स्ट्राइकर की, के हैवर्ट्स को लूँगा, क्योंकि जब इन दोनों को इंजरी हुई थी तो हैवर्ट्स को इन कर दिया गया था, तो हैवर्ट्स शायद इनकी गेम संभाले। टी पुकी की बात करूँ, इट्स अ ग्रेटेस्ट प्लेयर और ये एक आधा गोल कर देता है, तो पुकी तो अनदर लीग के अंदर भी करता है, तो मेरे को पुकी से कोई बुराई नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है। आगे से बात करें कैप्टन की, कैप्टन है बेन चिलवेल, वाइस कैप्टन सी एस बिलुटा। एस बिलुटा की जगह चाहो तो ट्राई कर सकते हो टी चलोबा को ट्राई कर सकते हो, और या चलोबा की जगह टी सिल्वा, बट आई एम गोइंग सेफ। तो ये नहीं मेरी टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।